गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मुकेश। चलिए आज हम देखते हैं चैप्टर 11 क्लॉज 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से डिस्पर्सन के बारे में। ठीक है, डिस्पर्सन हम आज पढ़ेंगे। डिस्पर्सन क्या होता है? अक्सर हम देखते हैं बारिश के बाद जो है रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है, तो वो स्पेक्ट्रम, तो वो जो है वो स्पेक्ट्रम हमारा डिस्पर्सन की वजह से ही बनता है। उसका जो कारण है, जो फिनोमिना है, वो डिस्पर्सन का नाम हमने उसको दिया हुआ है। इनकी डिस्पर्सन क्या है? जब वाइट लाइट आए और उससे 7 रंग पैदा हो, ओके, डिस्पर्सन में क्या होगा, 7 कलर्स प्रोड्यूस होंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे हम पानी पे ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल में भी अलग अलग रंग हमें नजर आते हैं। ठीक है, कई बार ग्लास गार्ड होता है फोन का, तो वो भी जो है अलग अलग तरह से चमकता है। कोई स्टिकर लगा हो, किसी कंपनी का बैज लगा होता है, तो वो भी चमकता है। ठीक है, तो अक्सर बुक्स पे देखा होगा कि स्टिकर लगे रहते हैं, कॉपी पे स्टिकर लगे रहते हैं, तो अलग अलग कलर्स में चमकते हैं, अलग अलग कलर्स पैदा करते हैं, तो वो सब हमारा क्या है, डिस्पर्जन है। ठीक है, तो डिस्पर्जन ही हम पढ़ने लगे। ठीक है, तो द स्प्लिटिंग डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, कौन सी होनी चाहिए लाइट? वाइट लाइट। वाइट लाइट अगर हमारी स्प्लिट हो जाए इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, इसके कंपोनेंट्स कलर में, इसके जो कलर्स हैं बाकी कलर जिनसे मिलकर बनी है, कंपोनेंट मतलब इसके हिस्से। ठीक है, इसके हिस्से क्या है जिससे वो मिलकर बना, तो उसके कंपोनेंट्स कलर में जब वो स्प्लिट हो जाए, बिखर जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन इन प्रिज्म, प्रिज्म में डिस्पर्जन किस तरह से होगी? प्रिज्म में भी डिस्पर्जन होती है। देखो तो प्रिज्म कुछ इस तरह की शेप में होगा। प्रिज्म, अब प्रिज्म स्प्लिट इंसिडेंट, इसमें भी क्या होगा, बैंड्स बनेंगे। ठीक है, वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स, कलर्स का एक बैंड हो, यानी जो एक कलर है, लाइक हम यहाँ पे एक कलर है, ठीक है, पूरी पट्टी जो है रेड से बनी हुई है, तो ये एक बैंड है। मान लो अब जो हमारा ब्लैक है, ब्लैक ऐसे बैंड होंगे ना इंद्रधनुष के तरह, तो ये एक बैंड है, ठीक है, ये अलग बैंड है, तो ये एक बैंड है, ये बैंड है और ये अलग बैंड है। इस तरह से लेट करते हैं कि आपके एक और कलर है, ब्लू है, तो वो ब्लू का बैंड, इसको हम बोलते हैं बैंड। ठीक है, तो बैंड है, बैंड ऑफ कलर्स, दीज कलर्स। और जब भी प्रिज्म से वाइट लाइट पास करेगी तो इस तरह के, इस पैटर्न के ही हमारे क्या बनेंगे, बैंड्स बनेंगे। कौन से? वायलेट, वायलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ये ही पैटर्न होना चाहिए। कि अगर हम इसको नंबर भी डाल दें कि नंबर 1, 2, 3 ऐसे, तो ये इसी पैटर्न में आएगा। इसके बाद नंबर 4 ग्रीन ही आएगा, नंबर 5 येलो, 6 ऑरेंज, 7 रेड, इस तरह से इसी नंबर में ये चलेगा। ठीक है, तो पहले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, इस तरह से। अब इसको याद कैसे रखना है, इतने सारे कलर्स को कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। वॉयलेट का कैपिटल लेटर बी, इंडिगो का आई, ब्लू का बी, ग्रीन का जी, येलो का वाई और ऑरेंज का ओ और रेड का आर, लेके ये बनाया है विब योर। ये बन गया, क्या बन गया, विब योर। ठीक है, ऐसे हम इसको याद रखते हैं। एक वर्ड हम याद रख सकते हैं कि जो कलर्स में स्प्लिट होंगे वो विब योर में होंगे। ठीक है, तो उसके बाद है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? द बैंड ऑफ द कलर्स कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो बैंड बोले गए ना, इन बैंड को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये रेड कलर का स्पेक्ट्रम है, ये ब्लैक कलर का स्पेक्ट्रम है, फिर ब्लू का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इस तरह से स्पेक्ट्रम। कॉज ऑफ डिस्पर्जन, अगर हम कारण की बात करें तो कारण क्या है हमारा, कॉज, क्योंकि कारण क्या है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन बेसिकली जो है रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ है। अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है, ठीक है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, डिफरेंट वेवलेंथ फॉर डिफरेंट कलर्स।
अलग अलग कलम्स की अलग अलग वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ लेंथ, ठीक है, हर एक वेव की लंबाई होगी, तो उस वेव लेंथ के हिसाब से अलग अलग कलर्स जब किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम में जाते हैं तो अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट होते हैं, मुड़ते हैं, रिफ्रैक्शन में ना होगा, ठीक है, मुड़ना होगा, तो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से डिफरेंट कलर अलग अलग कलर अलग अलग वेवलेंथ के बैंड मुड़ते हैं विद डिफरेंट। यहाँ पे बैंड की स्पेलिंग दो है, देखो ये जो बैंड हमने पढ़ा था बी ए एन डी है और ये बी ई एन डी है, ठीक है, तो बैंड होता है बी ई एन डी होता है मुड़ना, बैंड यहाँ पर हमें पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है किस कलर्स के लिए किस जगह, ठीक है, विद डिफरेंट एंगल अलग अलग एंगल पे वो मुड़ेंगे। रेड कलर जो है लिस्ट लिस्ट कम बहुत ही कम कम मुड़ता है, ठीक है, और वॉयलेट सॉरी ये हो गया मोस्ट वॉयलेट डेंस मोस्ट वॉयलेट जो है सबसे ज्यादा मुड़ता है, वॉयलेट जो है सबसे ज्यादा मुड़ता है, तो ये अब इसको समझते हैं जो भी हमने पढ़ा। यहाँ से आई हमारी व्हाइट लाइट, ये हमारी व्हाइट लाइट है, यहाँ से ये देखो ये प्रिज्म है, ये डेंसर मीडियम है, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम, तो जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, इसका नॉर्मल अगर हम बनाए तो ये लाइन है, इसका नॉर्मल यहाँ नहीं बनेगा, तो ये जो लाइट यहाँ जानी थी ये हल्की सी देखो यहाँ जानी थी नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, रेयरर से डेंसर में गई है, इस तरह से जाना था इसको कि हल्की सी बैंड हो गई इस तरह से, क्योंकि ये अब यहाँ पे आके जो स्प्लिट हो गई अलग अलग कलर्स में, तो हर एक कलर जो है अपने एंगल से मुड़ गए, तो सभी जो है नॉर्मल की तरफ जाएंगे, सभी नॉर्मल की तरफ मुड़ गए, लेकिन जिसकी जितनी वेवलेंथ वो उस हिसाब से मुड़ गया कि पहला कलर हमारा इतना मिला, दूसरा इतना, तीसरा इतना, तो वॉयलेट हमारा यहाँ से गुजर रहा, फिर यहाँ से डेंसर से रेयर में जाएगी तो यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, तो नॉर्मल इधर है ये इधर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ये वॉयलेट हमारा यहाँ चला गया और रेड सबसे कम मुड़ा है तो ये यहाँ पहुँचा है, ये ऊपर जो है हमारा रेड है नीचे वॉयलेट है, तो अगर हम इसको इसी पैटर्न से अगर मैंशन करें देखो तो वॉयलेट के बाद आता है इंडिगो, तो यहाँ पे अगर वॉयलेट है तो यहाँ पे क्या आएगा इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और देन रेड, ठीक है, इस तरह से रिप्योर बनेगा, ठीक है, इस तरह से हमारा रिप्योर बनेगा, ठीक है, वॉयलेट यही पैटर्न रहेगा इसका, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक है, ये बेसिक हमारे जी डिस्पर्जन के बारे में, डिस्पर्जन में क्या है वाइट लाइट जो है स्प्लिट होगी अलग अलग कलर्स, ठीक है, तो इसको आप पढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देखो हमने पिछले चैप्टर में रिफ्रैक्शन पढ़ी थी ग्लास स्लैब, इस चैप्टर में हम रिफ्रैक्शन देखेंगे प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरह से होगी, तो प्रिज्म बना लेते हैं, ये हमने बनाया प्रिज्म, ये बनाया प्रिज्म, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये लेट करते हैं प्रिज्म जो है इस तरह से है ए बी सी, जो प्रिज्म देखा होगा ये इसके पीछे भी एक फेस होता है, इस तरह से ट्रायंगल बनी होती है और ये इसके पीछे एक फेस होगा, ठीक है, अगर पीछे जो है स्टैंड होगा प्रिज्म इस तरह का होता है, ठीक है, तो हम इसका फिर सामने वाला फेस देख रहे हैं, तो ये हमारा प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का ये एंगल रहेगा हर जगह ही बराबर रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये क्या है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जबकि जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो सकती है, ये भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये भी क्या है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे इस तरह से बनोगे, ठीक है, ये वाला फेस और ये वाला फेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये और ये वाला फेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे हम इंसिडेंट करेंगे लाइट को,
और फिर वो रिफ्रैक्शन करेंगे तो इंसिडेंट करते हैं, ये हमारी लाइट आएगी। इसलिए इंसिडेंट लाइट तो यहाँ पे क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। ओके, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, ये हमारा नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर बना हुआ ना इस सरफेस, इस पॉइंट पे टच किए, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो इस पॉइंट पे ये सरफेस है, इस सरफेस के साथ ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे प्रिज्म ना होता तो ये लाइट हमारी कैसे ट्रेवल करती, ऐसे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रिज्म है, ये रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, ये हमारा बेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ओके, ये डेंसर मीडियम है। तो यहाँ से हल्की सी नॉर्मल की तरफ इसको मोड़ देते हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है एन वन, ठीक है, और ये नॉर्मल की तरफ मोड़ेगी इस तरह से, ठीक है। ये अब ये जो लाइट है हमारी, इसको हम नाम देंगे रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव लाइट, कि जो रिफ्रैक्ट हुई है। अब क्योंकि इस सरफेस पे फिर रिफ्रैक्शन होगी, अब ये डेंसर से कितने जा रही है, रेयर में जा रही है, तो फिर रिफ्रैक्शन होगी। अब ये तो दो रिफ्रैक्टिव लाइट हुई, ये भी रिफ्रैक्शन फॉलो करके आई है, और ये आगे जो आएगी वो भी रिफ्रैक्टिव फॉलो करके आएगी। तो इस चीज से बचने के लिए जैसे हमने क्लास चलाते हैं, इस लाइट को क्या नाम देंगे हम, एमरजेंट लाइट, एमरजेंट निकली हुई लाइट, ये डाली थी इसके अंदर से गई और ये बाहर निकली, ठीक है, इसके अंदर इंसिडेंट लाइट गई गुजर के और बाहर निकली, तो इसको हम एमरजेंट लाइट बोल देंगे ताकि डिफरेंस बना रहे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब यहाँ से जाने के बाद फिर रिफ्लेक्शन होगी, तो फिर नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो नॉर्मल बनाते हैं, इसमें ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, तो इसमें नॉर्मल कैसे बनेगा, फिर यही बनेगा नॉर्मल, जब ये परपेंडिकुलर नजर आ रहा है ना, इस सरफेस पे ये नॉर्मल बनाना है एंड टू। अब क्या होगा, डेंसर से रेयर में जब जाती है तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो ये लाइट कैसे जाती, सीधी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो है चेंज हो चुका है हमारा, मीडियम चेंज होने से क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर है तो इधर जाएगी, जाना यहाँ था तो चेंज कर दी अपनी, ये हमारी कौन सी रे है, कौन सी है, ये हमारी एमरजेंट रे। तो हम क्या देखते हैं, अगर ये प्रिज्म नहीं था तो ये लाइट जो है यहाँ जा रही थी, ऐसे नहीं जा रही थी, लेकिन प्रिज्म रखने से ये लाइट कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, इतने का डिफरेंस हुआ, इतने का डिफरेंस हुआ, इतने का डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर एंगल से मुड़ गई, कुछ पर्टिकुलर एंगल से ये रे यहाँ जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन फॉलो करके लास्ट में हमें जो निकली हुई रे मिली वो यहाँ मिली, यहाँ जा रहा था लेकिन यहाँ जा रही है, कितने का एंगल का डिफरेंस है, कुछ एंगल का डिफरेंस है, ठीक है। ये एंगल हम बना लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर दें पीछे, तो ये हमारा एंगल का डिफरेंस है, ये एमरजेंट रे है और ये इंसिडेंट रे, इन दोनों रेज में इस एंगल का डिफरेंस है, ये एंगल का डिफरेंस, इस एंगल को हम बोलते हैं सिर्फ कितने एंगल का, एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमारा होगा एंगल ऑफ डेविएशन, क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन मुड़ना, कितने एंगल से वो डेविएट हो चुकी है, मुड़ चुकी है, ठीक है, कितने एंगल पे हमारी जो है मुड़ चुकी है, ये पूरा का पूरा हमारा रिफ्लेक्शन इस तरह से होता है। और इसी प्रिज्म से फिर व्हाइट लाइट का जो स्प्लिट होना है, डिस्पर्शन जो कहलाता है,
अलग अलग कलर्स में वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, ये इंसिडेंट लाइट है, ये हमने बनाए सरफेस पे नॉर्मल, नॉर्मल इस तरफ है जैसे यहाँ जाने के बाद, अब इस साइड पे नॉर्मल जो ये नॉर्मल है ना, इस साइड ये नॉर्मल है, ठीक है, 90 बन रहे हैं इसके साथ, इधर भी 90 बनेंगे, ये नॉर्मल है, ये लाइट इधर जाना था इस तरफ मुड़ेगी हल्की सी, ये मुड़ी है, ये जा रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट। तो यहाँ पे हमें जब बात क्या हो जाएगा, फिर ये दोबारा मीडियम चेंज होगा तो फिर रिफ्रैक्ट होगी, अब नॉर्मल ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ मुड़ेगी, तो इस तरह से एमरजेंट रे बन गई, इसको हमने नाम दिया एमरजेंट रे, निकली हुई रे हमने ये डाली थी और ये हमें निकली। तो हम क्या देखते हैं, ये रे और जो इंसिडेंट रे उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है, अंतर आ चुका है, कितना अंतर है, बहुत बड़े एंगल का अंतर है, इस एंगल को ये वो एंगल है, इसको हमने पीछे एक्सपेंड किया तो क्या देखते हैं, ये वो एंगल, ठीक है, तो इसको हमने बोला एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन था लाइट का थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू इस तरह से रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसको थोड़ा नंबरिंग दे देते हैं कि कौन सी रे है, और ये हमारा हो गया लेफ्ट पर्सन की जो पी क्यू है, ठीक है, इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसके बाद इसको हम नाम देते हैं पी क्यू आर एम एस, ठीक है, तो बोलो पी क्यू क्या है हमारी, इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्रैक्टिव रे, और लास्ट आर एस क्या है, एमरजेंट रे, एन वन क्या है, नॉर्मल एट फर्स्ट, ये हमारा पहला रिफ्रैक्टिव, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और एन टू क्या है, नॉर्मल एट सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस। अच्छा, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हम बी नाम दे देते हैं इसको, कि बी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, और ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे बना गया एंगल क्या है, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, तो इस ए पॉइंट पे बना तो ए ही नाम दे देते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारे सारे मेन पॉइंट है जो हमने बताया, ठीक, इसको आप देख ले अच्छी तरह से, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है।